देखिए, आज हमने बनाई है इंस्टेंट फुल्की जो 5 मिनट में तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और आसान भी। तो चलिए देख लेते हैं। हाय एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम टू माय स्टाइल फूड। देखिए, ये इमली को हम धो लेते हैं। पका हुआ इमली लिया है हमने, इसको धो लेंगे जिससे इसका डस्ट निकल जाएगा। और हमने इसको बार पानी लिया है तो इसमें हम इसको डाल दिए हैं और इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हमें चटनी तैयार कर लेते हैं। तो हमने देखिए हरा धनिया काट कर डाल लिया है जार में और हरा मिर्च डाल रहे हैं, इनको भी काट लेंगे। और आप चाहें तो इसमें डंठल भी डाल सकते हैं। और ये हमने पुदीना लिया है, सादा नमक लिए हैं, इसको डाल लेते हैं और इनको पीस लेते हैं। और ये हमारी चटनी पीस कर तैयार हो चुकी है। तो इसको छान लेंगे हम, जिससे हमको इसका पतला पतला पानी सा मिल सके। और देखिए, हमने निकाल लिया है इसको और इसका मोटा मोटा जो है दर दर टाइप से, इसको हम चटनी को रख लेते हैं और इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पल्प इमली का। तो इसे भी हम छान लेते हैं। तो इसको हम इसका पल्प सारा निकाल लेते हैं और देखिए निकल चुका है इसका पल्प। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो इसको भी डाल देते हैं। और जितना आपको रखना है पतला उतना रखिएगा। और अब हम इसमें ऐड करते हैं, ये चाट मसाला लिए हम, 1 स्पून लिए इसको। और ये चिली फ्लेक्स है, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें ब्लैक सॉल्ट। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें भुना हुआ जीरा और इसको मिला लेते हैं। और अब हम इसके लिए ना तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का हम तैयार कर लेते हैं और इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल देना है। और अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा तो जीरा हमको ब्राउन कर लेना है। और ये हींग है, इसको डाल देते हैं। और ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। तो देखिए, हमारा फुल्की का पानी, पानी पूरी का पानी तैयार हो चुका है। और अब हम इसका ना फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और बॉईल किया हुआ आलू है ये, और इसको हमने 3-4 सीटी अच्छे से लगा दिया है, तब इसको मैश किए कर रहे हैं। और ये बॉईल किया हुआ मटर है, इसको भी मिला देते हैं, थोड़ा सा इसमें मैश कर लेंगे इसे। ये चटनी है हरा, इसको डाल देते हैं और इसे भी मिला लेते हैं इसी में। ये हरा धनिया है, बारीक चॉप किया हुआ प्याज, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, भुना हुआ जीरा पाउडर, इसको भी डाल दिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सब को मिला लेते हैं। तो देखिए, हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हम फुल्की तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने रेडी टू फ्राई पापड़ है, तो ये फुल्की वाला ही है, ये रेडीमेड फुल्की होती है पानी पूरी। तो इसको फ्राई करेंगे और ऑयल हमने गरम हो चुका है, तो इसमें हम फुल्की को डाल के देखते हैं पीस। और देखिए कितना अच्छा फूल रहा है ये। तो अब हम बाकी पीसेस को डाल देते हैं। तो देखिए, इसमें एक कितना अच्छा हमारा फुल्की तैयार हुआ है एक। और इसी तरह से देखिए कितना अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहा है। ऑयल को अच्छे से हमने गरम किया है, तो गरम ही तेल में आपको इसको डालना है और आंच को आप हाई पर ही रखें
और बिना टच किए देखिए आपकी फुल्की फूल कर तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली फुल्की। और बनाना इतना आसान है कि जो आप देख ही रहे हैं कि डालिए और निकालिए, इसको कोई झंझट नहीं है। आपको आटा गूंदने का है कि कुछ करने का है, आपको बनाना खाना है तो आप तुरंत मार्केट से इसको परचेस करेंगे और इसका आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं किसी भी मौसम में आप इसको। और देखिए हमको 5 मिनट भी नहीं लगा और ये हमारी फुल्की बनके तैयार हो चुकी है, पानी पूरी। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और देखिए कितना अच्छा हमारा फुल्की तैयार हुआ है। तो देखिए फुल्की तैयार हो चुका है, तो अब इसको प्लेटिंग करेंगे। क्रिस्पीपन देखिए आप इसका कितना अच्छा आया है। और अब हम इसको फिल कर लेते हैं। तो अब इसमें हम फिलिंग को भर लेते हैं और ये इस तरह से हम फुल्की को तैयार कर लिए हैं। और कितनी जल्दी हो गया है हमारा फुल्की तैयार। तो जब भी आपको खाना है सिर्फ आपको पानी तैयार करना होगा और फुल्की आप फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए इसे। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए कितना हेल्पफुल हुई है तो कमेंट करके आप बताइएगा। इस तरह से हम सारा फुल्की तैयार कर लिए हैं और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम।